जीवन में काम करते हैं और आपकी इंटीग्रिटी होना बहुत लाजमी है, आपका ट्रांसपेरेंसी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, और अगर पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता है, अगर उनको कहीं ना कहीं कोई लगता है कि मेरे साथ कभी मेरी बात नहीं सुनी गई, तो पार्टी के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पार्टी के अंदर बात रखना चाहिए, पार्टी की कोर ग्रुप्स होते हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, पार्टी के ऑफिस बीरर्स होते हैं, पार्टी के इंचार्ज होते हैं, और एक जब कभी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम में आके, और वो भी जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे एक बड़े पार्टी के कद्दावर नेता, जो इस देश के नेता है, दुनिया के नेता है, उनके जैसे नेता के कार्यक्रम में इस प्रकार का कोई विषय रखना, और वो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और दूसरा, राजनीति में आपके एक दूसरे से मत नहीं कर सकते, उसके लिए कानून है, कानून के अंदर आईटी की धाराएं हैं, आईटी की सेक्शंस हैं। आप क्या सोचते हो कि कोई सोशल मीडिया है या मीडिया है, क्या आप लोग भी, हम लोग भी इससे बने कानून के दायरे में चलता सारा चीज, और जो कानून की उल्लंघना करेगा, जो कानून को अपने हाथों लेगा, कानून उसके खिलाफ काम करेगा। पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसमें हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर के टॉप मोस्ट एडवोकेट हैं श्री सुहेल सेठी जी, और बाकी सहयोगी साथी सरदार वरेंद्र जीत सिंह जी और हमारे रजवाल साहब, उन्होंने इन सभी घटनाक्रमों का नोटिस लिया है, और इसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी और पार्टी कोर्ट के अंदर डेफेमेशन केस लॉन्च करने वाली है। और पार्टी ने पहले तो 8 सितंबर को यहाँ एक हियरिंग रखी है डिसिप्लिनरी कमेटी ने, उसमें वो सभी संबंधित जिनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है या हमारे बात नहीं सुनी गई, वो अपनी बात रखेंगे, और अलॉन्ग विद एविडेंसेस वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अगर उनकी बात ठीक रही गई तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा जो पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो तय करेगी वो होगा कानून से बड़ा कोई नहीं, कोई किसी पर व्यक्तिगत निजी टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी के बारे में निजी तौर पर गलत व्यवहारिक बिना तथ्यों के आप किसी के बारे में लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, अगर कोई इस प्रकार का उल्लंघन करेगा कानून का तो कानून के दायरे में उसको सजा मिलेगी। मैं कहता हूँ जो भी मामला है डिसिप्लिनरी कमेटी ने 8 सितंबर की डेट तय की है, उनको भी बुलाया है और बाकी लोगों को भी बुलाया है, 3 बजे 8 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जम्मू में पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सभी ऐसे जो जिन लोगों को कहीं ना कहीं शिकायत रही है उनको बुलाया है, और उसके बाद पार्टी उनसे बातचीत करने के बाद पार्टी के लोग तय करेंगे आगे की क्या रणनीति होगी। अगर उनको उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो उनको न्याय मिलेगा, और अगर कहीं विरोधाभास और राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर अगर इस प्रकार का कोई बनाया गया है, सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया है, तो उसका भी प्रोविजंस है कानून में, कानून दोनों पहलुओं की जांच करेगा, जो हमारे पास आएगा आरोप लगाकर इसका ये आधार है उसकी भी सुनेंगे। लेकिन चूंकि सार्वजनिक जीवन है, जब आप किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी करोगे तो वो मामला गंभीर बनता है, फिर उसके सबूत भी चाहिए। राजनीतिक जीवन में अगर आपके पास सबूत होंगे तो कोर्ट के अंदर भी आप लोग केसेस को लड़ते हैं। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है इस दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका चाल चरित्र और चेहरा, जिसकी व्यक्तिगत निष्ठा, राष्ट्र प्रेम, सत्यता, अनुशासन के अंदर रहकर काम करना, तब भी अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना हुई है, ना अभी है, ना होगी। अगर किसी ने की होगी उसको सजा मिलेगी, और कोई भी बड़े से बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना होगा, अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी देश समाज के प्रति काम करने वाले कर्मठ, निष्पक्ष, अनुशासित एवं राष्ट्र के प्रति प्यार रखने वाले राष्ट्रनिष्ठ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जिसमें सार्वजनिक मूल्यों पर आधारित हमारी पार्टी है, मॉरल वैल्यूज के ऊपर, एथिक्स के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। तो मेरे को नहीं लगता
कि यहाँ किसी के साथ कभी इंजस्टिस हुआ हो, हाँ अगर किसी ने कहा है, हमने उनको बुलाया है, वो अपना पक्ष रखेंगे और तरीकों, और जो पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी है, हाईएस्ट जो पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जो इन सारे मामलों को सुनता है, वो इन मामलों की छानबीन करेगा और उसके बाद जो भी वो निर्णय हमें वो प्रति सौंपी जाएगी उसके आधार पर पार्टी आगे का निर्णय लेगी। राजेश गुप्ता जी पार्टी में है, सोशल मीडिया, मैंने आपको पहले कहा कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान होता है, कोई निजी व्यक्तिगत किसी के ऊपर गाली गलौज कोई किसी के ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, कोई किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब में चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, लेकिन जब कोई सभ्य आदमी सभ्य समाज में कोई बात करता है, एक सभ्य एक इंसान को कहा जाता है, मैं इसे सोशल एनिमल, सामाजिक इंसान कार्यकर्ता होता है, और इथिक्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जिनमें हाँ जिनका अपना कोई ढांचा नहीं होगा इस प्रकार की बातें करता, लेकिन उनको भी कोर्ट के दायरे में जूझना पड़ेगा। क्रिमिनल डेफिमेटरी FIRs इसमें बनती हैं और डेफिमेशन केस होगा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने वाली है और डेफिमेशन केस हम इस पर दर्ज करने वाले हैं। राजेश गुप्ता जी सीनियर बीजेपी लीडर कहते हैं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी में राजेश गुप्ता जी जो हैं वो श्री राजेश गुप्ता MLA हैं जो जम्मू ईस्ट के हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अलावा तो मैं किसी को जानता नहीं।